इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर चले ना। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दनुजवन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निदानम वानराणामधीशम रघुपति प्रभक्तम वात जातम नमामि। देखिए आज का जो दिवस है तीर्थराज प्रयाग के लिए ने अपितु संपूर्ण विश्व के लिए एक वरदान दिवस के रूप में है। आज सृष्टि पर ऐसे देवत्व ने अवतार लिया कि जो सबके लिए कुछ न कुछ तरह जिस रूप में भी देखना चाहें, सेवक रूप से देख लीजिए, आप बलवान रूप में देखिए, बुद्धिमान रूप में देखिए, दयावान रूप में देखिए, करुणा रूप में देखिए, हर तरीके से वो हमारे लिए कुछ न कुछ प्रतीक चिन्ह देख गए। हमारे लिए उनका चरित्र चित्रण अपने आप में अकल्पनीय है, हनुमान जी महाराज का। तो आज के दिन हमने हनुमान जी महाराज से यही प्रार्थना की कि उत्तर प्रदेश और पूरा विश्व भारत वर्ष अपना विश्व में अपनी ख्याति प्रख्यात करें। जिस तरीके से हनुमान जी महाराज की आज भक्ति विश्व में गूंज जाती है, ऐसा ही पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का पताका लहराए। और आज की विशेषता ये रही कि श्री बड़े हनुमान मंदिर को शास्त्र अर्चन पुष्पों से अर्चन किया गया पहले, उसके बाद हनुमान जी महाराज का पंचगव्य से स्नान कराए गए, जिसमें दूध दही घी मधु मिश्रित पंचगव्य इत्यादि रहे। उसके बाद दुग्ध से हमने तकरीबन 101 किलो दूध से हनुमान जी महाराज का अभिषेक किया, जो घड़ों से चढ़ाया गया। उसके बाद हनुमान जी महाराज को चौड़ा चलाया गया। चोला चढ़ाने के बाद वस्त्र पहना के श्रृंगार करके अब ये श्रृंगार आरती हुई है। और आज के दिन अब विशेषकर आरती के बाद अब सुंदरकांड का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आप सभी भी सादर आमंत्रित हैं। महाराज जी, कुछ दिनों बाद प्रयागराज में महाकुंभ भी होने वाला है, रात्र में मंदिरों में रामायण का पाठ करने की बात कही गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत श्रेष्ठ कदम मैं समझता हूँ। ऐसे कदम तो ये सनातन धर्म का ही देश है, ये हिंदू का देश है ये। तो इस देश में अगर सनातन संस्कृति की हम व्याख्या नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे कार्यक्रम नहीं करेंगे, तो इसकी संस्कृति हम कैसे दिखा सकते हैं किसी को? आज देख रहे हैं हम दुनिया में कई देश हैं, इस्लामिक देश हैं, ईसाइयों के देश हैं, लेकिन हिंदू कहीं भी नहीं। और भारत में 100 करोड़ की जनसंख्या के बावजूद भी सनातन धर्म के कोई कार्यक्रम करते तो उसमें भी हमारे अंदर हिचक रहती कि ये कार्यक्रम कैसे किए जाएँ। मैं समझता हूँ इस तरह के फैसले लेने, ये बड़े सौभाग्यशाली हम उत्तर प्रदेश वाले या भारतवर्ष वाले कि जहाँ ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं जो सनातन संस्कृति के बारे में सोच रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये कार्य बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि हम हनुमान जी महाराज के भक्त हैं और समझते हैं कि सुंदरकांड रामचरितमानस तो ये भारत के घर घर में विद्यमान है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारी माताएं हमें किसी न किसी रूप में राम रूप में किसी न किसी रूप में बनाते थे, बच्चों को लीलाएं सिखाते थे। ये तो भारत भूमि धरा है, इस धरा पर अगर राम नाम के शब्दावली नहीं चलेगी तो ये कहाँ चलेंगे? तो ऐसे श्रेष्ठ कार्य होते रहने चाहिए। आने वाले दिनों महाकुंभ भी उसके लिए भी महाकुंभ के लिए मैं तो हनुमान जी महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ, और ये प्रार्थना रही है कि जिस तरीके से आज हनुमान जी महाराज का श्रृंगार से सुंदरता आई हुई थी, ऐसे इस कुंभ में भव्यता और दिव्यता आए, ऐसी हमने प्रार्थना की है। ओम नमो नारायण।